स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम आपका डॉक्टर में आज मेरे साथ मौजूद हैं पटना के अनु इंस्टीट्यूट के कंसल्टेंट और सर्जन डॉक्टर आशीष सिंह। डॉक्टर आशीष, आपका स्वागत है। डॉक्टर आशीष, आपकी मास्टरी है जॉइंट रिप्लेसमेंट में। इसके बारे में सबसे पहले सर बताइए, मेको रोबोट के मदद से आपने कई सर्जरीज की हैं। आज की दुनिया में आपका जाना माना है, अपने बारे सबसे पहले बताइए और जोड़ों के दर्द कारण क्या होता है सर? सबसे पहले मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद करता हूं आपने मुझे यहां बुलाया। मेरा नाम डॉक्टर आशीष सिंह है और मैं एक जोड़ प्रत्यारोपण जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हूँ। जोड़ों का दर्द आज के दिन में बहुत ज़्यादा हो गया है क्योंकि इसका मूल कारण है बदलती जीवन शैली और हम लोग खान पान नहीं देना, मोटापा का बढ़ना या आम कारण लैक एक्सरसाइज एंड लैक ऑफ सनलाइट एक्सपोजर। तो लोग एक जाता है जहाँ जोड़ हो जाते हैं, इसके अनेक कारण भी हो सके, तो हम जोड़ प्रत्यारोपण करते हैं यानी नया सतह बदल के सतह को बदलते हैं। और इसके लिए मैं रोबोटिक गाइडेड सीज करता हूँ और दुनिया का सबसे अच्छा रोबोट टेक्नोलॉजी वाइज है उसको यूज करते हैं, जिसका विशिष्ट ट्रेनिंग मैंने अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, कोरिया एंड ऑल अराउंड एयर लिया मैंने और प्रदान करता हूँ सर्विसेज पटना में। एंड इससे जोड़ प्रत्यारोपण काफ़ी 99% सटीकता रहती है, इसे बहुत फायदे हैं। जोड़ों का दर्द होता कैसे है, किन लोगों को हो जाता है, क्या उम्र बढ़कर होता है या फिर कभी कभी बहुत छोटी उम्र में भी ये समस्या आ जाती है? देखिए, यह बात समझना जरूरी है कि जोड़ों का दर्द आमतौर से 40s, 50s या फिटनेस लेवल पर डिपेंड करता है, यानी अगर आपका बॉडी वेट मास इंडेक्स यानी वजन ज़्यादा नहीं है तो जोड़ों का दर्द हो सकता है देर से हो या फिट रहते हैं देर से हो, परंतु उम्र के साथ हमारे जोड़ों के बीच का जय होता है वह खत्म होने लगता है और अट्रैक्टिव जोड़ा बनने लगता है। परंतु आपने बहुत अहम सवाल पूछा, क्या यह कम उम्र के लोगों को हो सकता है? जी हाँ, गठिया एक प्रकार की बीमारी है जो कम उम्र के लोगों को भी होता है, जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस को बोलते हैं। तो अगर जोड़ों का दर्द कम उम्र के लोगों में हो, खासतौर पर जब हाथों के जॉइंट्स, स्मॉल जॉइंट्स ऑफ द हैंड में सुबह उठकर ज्यादा तकलीफ हो, तो ये गठिया लक्षण है और इसके लिए विशेष डॉक्टर से मिलना चाहिए और इसका इलाज शुरू करते हैं क्योंकि निदान है हमारे पास और अब जल्दी आएंगे तो हम जोड़ों को घिसना या इस बीमारी के बढ़ने को हम रोक सकते हैं। क्या सर, एक अगर सही टाइम पर आइडेंटिफाई कर लिया जाए तो ऑपरेट होने से बचा जा सकता है, फिर इलाज सिर्फ ऑपरेट नहीं? यह भी बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने जी मैम। मैम बेसिकली क्या होता है कि अगर हम सही समय पे आते हैं तो हम पेशेंट समझाते हैं, सबसे पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की जरूरत होती है, यानी अगर हम पेशेंट से फ्रेंकली बात करते हैं, उनको समझाते हैं कि समय के साथ हम लोग का बाल सकता है, आंखों में मोतियाबिंद होता है, जो भी घिसता है, परंतु अगर आप अपनी लाइफस्टाइल इंप्रूव करेंगे तो दो कम घिसेगा। तो हम लोग विशेष व्यायाम फिजियोथेरेपी बताते हैं और पेशेंट्स को गाइड करते हैं, समझाते हैं, टीच करते हैं कि ये डिजीज नहीं है और इससे बचा जा सकता है। सिर्फ जोड़ प्रत्यारोपण ही उपाय नहीं है, आज के डेट में हम लोग जोड़ का एक्सरसाइजेस, कुछ सुई आते हैं विशेष प्रकार के, उसको भी दिया जाता है जिसमें खासतौर पर PRP इंजेक्शन दे के हम घुटने को बचाया जा सकता है। और एक और चीज का जिक्र करूंगा, स्टेम सेल्स का रीसेंट डेवलपमेंट में स्टेम सेल इंजरी आ गया है, गुना में देते हैं और घुटनों को बचाया जा सकता है। परंतु दुनिया में लोग हमारे पास बहुत लेट प्रेजेंट करते हैं और फिर जोड़ों का ऑपरेशन करने की जरूरत पड़ती है। मैं एक और चीज जोड़ना चाहूंगा, एज अ सर्जन मैंने विशेष ट्रेनिंग दी है और सर्जन हो, बट वी डोंट वांट टू ऑपरेट, हम चाहते हैं हर पेशेंट का जोड़ प्रत्यारोपण, तो मेरा सही मानना है कि जल्द मिलिए, कम जल्द तो ऑपरेशन बच सके। बहुत महत्वपूर्ण बताइए डॉक्टर साहब, जब बात की है जॉइंट्स के रिप्लेसमेंट दर्द की तो अनूप और आशीष जरूर होता है, आपने मेको रोबोट के बारे में आप बताइए, कैसे मेको रोबोट के जरिए आप ऑपरेट कर रहे हैं? जब बात आती है ऑपरेशन की तो बहुत डर जाते हैं, लेकिन आपके पास ऐसी टेक्निक है जो कि ऑपरेशन को आसान बना देती है, कैसे? देखिए, आमतौर से अगर मैं सही बात लोगों से पूछूं कि रोबोटिक टेक्नोलॉजी, तो शायद आपके दिमाग में बताता होगा आयरन मैन या कोई खास ट्रांसफॉर्मर चीजों का दिमाग आता होगा, परंतु रोबोटिक टेक्नोलॉजी में हम लोग पेशेंट्स का सीटी स्कैन करते हैं और सीटी स्कैन हमारा अमेरिका में उसका विजन होता है और रोबोट हमारे हाथ से कम होता है पर रोबोट गाइडेड होता है, यानी स्क्रीन पर हम पेशेंट का सीटी स्कैन और लेवल ऑफ एग्जीक्यूशन देख रहे हैं और अगर हम गलत जाने का सोचते हैं, गलत हो सकता है, ऑडियो विजुअल फीडबैक, हैप्टिक फीडबैक एंड उसमें रोबोट स्टॉप हो जाता है, यानी एहसास दिलाता है। हमारे यहाँ पे व्हील चेयर से वॉकर का सफर 3 से 4 घंटे में होता है क्योंकि रोबोटिक गाइडेड सर्जरी करते हैं, मेक रोबोट द्वारा करते हैं और पेशेंट को 4 से 6 घंटे में चलते हैं, ऑप्शन 100% होता है, पेन कम होता है। सर, जब बात आती है अस्पताल आने की तो मैं डर होता है कि खर्चा ज्यादा हो जाए, तो अगर रोबोट के जरिए कोई ट्रांसप्लांट करना है, कोई सर्जरी करना चाहता है तो उसमें क्या खर्चा है? मैम, यह मैं सभी लोगों को बताना चाहूंगा, अनुप जी पहला इंस्टीट्यूट है जहां रोबोटिक गाइडेड सर्जरी की सुविधा प्रदान की गई पूरे अपने में और यह निःशुल्क है, यानी इस अतिरिक्त शुल्क नहीं लगता। राइट टू आयुष्मान भारत
जीएचएस एम्प्लॉयज टू ईएसआईएस ईएसआईएस एम्प्लॉयज टू एनीबॉडी, आपको ये सर्जरी के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगता हमें। और जैसा कि आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जगह जहाँ पे रोबोटिक टेक्नोलॉजी लिए हैं वहाँ पे रोबोटिक चार्ज होता है, बट मेरा है पेशेंट को ट्रीटमेंट कराने के अमेरिका नहीं जाना, अमेरिका का ट्रीटमेंट आपको में मिलेगा में नो एक्स्ट्रा कॉस्ट। देखिए डॉक्टर साहब, कहा था ना कि धरती पर भगवान का रूप डॉक्टर होता है, और मुझे लगता है आप उसका सही उदाहरण है। आप बता रहे हैं कि रोबो सर्जर बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के आयुष्मान भारत योजना के जरिए भी आसानी से रोबो सर्जर करवाई जा सकती है। खर्चे को लेकर मैंने आपसे सवाल किया, कितने जाते हैं? उन्होंने बताया कि बहुत लोगों की कोशिश रहती है, लेकिन फिर मन में लोगों के डर रहता है, अगर कोई बुजुर्ग है तो क्या उसको थोड़ा ज्यादा समय लगता है? यस, रिकवरी पेशेंट्स के अनुसार भी होता है, बहुत लोग मानसिक रूप से डाउन भी होते हैं तो उनका रिकवरी प्रॉब्लम हो सकता है, बट आमतौर से सही बताऊं तो 6 weeks to 3 months सुपरमैन या सुपर वुमन बनने में लगता है। ड्राइविंग अलग हम लोग 4 weeks में कर देते हैं, एंड 4 to 6 weeks में हमारे पेशेंट्स सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग भी बाइक ड्राइविंग करके जाते हैं। डॉक्टर, आपका सपना है कि आपका जो इंस्टीट्यूट है अनूप इंस्टीट्यूट, वहां पर ज्यादा से ज्यादा पहुंच पाए। अगर किसी को डॉक्टर आशीष के साथ संपर्क करना है, डॉक्टर आशीष से कोई चाहता है इलाज करवाना, तो कैसे आपके साथ संपर्क साध सकते हैं? क्या पटना ही आना होगा या फिर देश के बाकी जगहों पर भी आप अपनी सुविधा दे सकते हैं? मैं प्रैक्टिकली मैं डिब्रूगढ़ जो कि नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया है वहाँ पे ओपीडी में वर्क करता हूँ, और गुवाहाटी में भी ओपीडी करता हूँ। दिस बोथ एक्सेबल प्लेस, और इन जनरल जैसा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी दिस इंडिया की जयश करते हैं, ऑनलाइन प्रेजेंस है, ऑनलाइन ऐप से भी अपॉइंटमेंट सकते हैं, एंड यू आई एम जस्ट फोन कॉल अवे, यू विल गेट एन अपॉइंटमेंट एंड आई सी अकॉर्डिंग टू अपॉइंटमेंट। और समय लगे अभी आपके आदर्श पर कैसे चल सकते हैं, इस पर कुछ प्रकाश डालिए, के बारे में बताइए कि क्या जो डॉक्टर्स को आपसे कुछ सीखने को मिल सकता है, कुछ क्लासेस वगैरह या कोई ट्रेनिंग जूनियर डॉक्टर्स को दें? मैं तो पहले ये बोलना चाहूंगा सभी डॉक्टर्स से, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, हमेशा लाइफ में दो रास्ते हैं, शॉर्टकट लॉन्ग कट, ऑलवेज लॉन्ग कट लेने का। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि काबिल में काम भी पीछे भागेगा, तो ओवर द लॉन्ग टाइम पोस्ट एमएस हड़बड़ था कि कुछ सीख इंडिया आना है, इसके लिए मैंने 6-7 इंग्लैंड में भी था, जर्मनी में भी किया, ग्लासगो ऑफर इंग्लैंड लंदन एक्सटर बेस्ट प्लेसेस अराउंड इनके यूएस एंड जर्मनी, पॉइंट था कि दिस वॉज हार्ड पार्ट एक्चुअली, बट वो ये शॉर्टकट नहीं होता है इसका, स्टे कम एंड यू गेट देयर, बट यू हैव टू बी फोकस्ड। सबके डिब्रूगढ़ पर आपने किया कि यहाँ पर निःशुल्क सुविधा रहती है, कितने मरीजों को ऑपरेट किया है आपने डिब्रूगढ़ में, उनके बारे में अपना एक्सपीरियंस बताया? देखिए नॉर्थ ईस्ट बहुत ही सुंदर जगह है, और मैं ब्लू पिछले 1 साल जा रहा हूँ, और उसके पहले पिछले 4 साल से जा रहा हूँ, वहाँ मैं ये ऑपरेट करता हूँ कि हमारा रोग मूव नहीं करता है, और मेरा मानना है टीम वर्क टूगेदर एवरीबडी अचीव मोर, तो देखते वहाँ पे, और अगर कोई ऑपरेशन का काम होता है तो फिर पटना आते हैं, फिर उसका फॉलो अप वहाँ करते हैं। तो ट्राई टू मेक इट कन्वीनियंट फॉर द पेशेंट्स। डिब्रूगढ़ में जाती है मैम, मेको रोबोट आसाम तो नहीं है, मस्ट में नहीं है, पूरे स्टेट में से मेरे पास इंडिया फर्स्ट रोबोट मेरे पास ही है, और आज एक्चुअली मैं ट्रेवल किया हूँ क्योंकि मैं ट्रेवल कर रहा हूँ ऑपरेट करने के लिए, और अगर कहीं कॉम्प्लेक्स केस है जैसा कि लास्ट वीक में दोनों कूल्हा बदलना था, तो मेरे पास नहीं था, बट हमने मेरे को सर्विस लेके उसको बुलाया, उधर रखा प्लेस आया एंड सर्जरी किया, सर्जरी है तो मैं कल ऑपरेट करूँगा, मेरे को का सर्विस मिलेगा, बट कॉम्प्लेक्स हिप्स नहीं हैंडल करने के मैं इंडिया के चेन्नई हैदराबाद अमृतसर एंड दिल्ली एंड ऑफिस पटना डाकर भी ऑपरेट करता हूँ मेरी जरूरत पड़ती है। डॉक्टर मेको के बारे में है, मेको रोबोट को तैयार करना, उसके बारे में हमारे सबसे पहली बार आया, कितना चैलेंजिंग था ये शुरुआत में? यस, गुड क्वेश्चन। मेको कोई रोबोट सर्जरी एक्सपेंसिव होता है, हम लागत की बात करते हैं तो मेरी उम्र कम है, मैं इस एज में करो इन्वेस्टमेंट कर, एक चैलेंज मेरे फादर के लिए, बट हमारा एक बेस्ट सर्विस देना है, और हमने ये चैलेंज लिया, और अनफॉर्चुनेटली जैसे चैलेंज लिया कोरोना हो गया, तो कोरोना का तो उसमें हमने रोबोटिक सर्जरीज किए क्योंकि जो तकलीफ में पेशेंट, और उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे लाइफ स्टाइल चेंज हुआ, इंडोर एक्सपेंशन किया, लोगों ने आना शुरू किया कोरोना प्रॉब्लम्स, तो हम लोग काम धीरे बढ़ा, बस वो चैलेंज, बट आई एम वेरी थैंकफुल माई फैमिली माई वाइफ एंड माई किड फॉर अलाउइंग टू टेक दिस चैलेंज, एक्सपेंसिव अफेयर बट एट नो एक्स्ट्रा कॉस्ट, ना अतिरिक्त शुल्क, हम आम आदमी के लिए सर्विस पटना में अनूप इंस्टीट्यूट में प्रदान। आप बहुत शानदार काम कर रहे हैं डॉक्टर, वो भी आईटी के तहत लोगों को सर्विस देना, मेको रोबोट जो हाईटेक कह सकते हैं इसको, कितना और ज्यादा आप लोगों की रीच हो? लोगों में डर रहता है जब रोबो सर्जरी की बात आए, नॉर्मल जो होता है उसको लेकर क्यों घबरा रहती है, लेकिन टेक्नोलॉजी के तहत लोग आगे तो बढ़ना चाहते हैं, डर रहता है कि चूंकि रोबोट में कुछ गड़बड़ हो जाए, आगे कोई करी ना बढ़ जाए, तो ऐसे में क्या मेंटली जो पेशेंट्स आते हैं उनको मना जाता है? शुरू में जो रोबोट प्लेटफॉर्म पे एक्चुअली मैंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रोबोटिक सिस्टम्स यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो से किया, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स एंड रोबोट्स इन ह्यूमंस, ये हम लोग करते थे, दिस इज 2009-10, तो ये एक डिफिकल्ट है क्योंकि हमें टेक्नोलॉजी असेट काम कर रहे हैं, और अगर टेक्नोलॉजी फेल हो जाए तो
तो हम लोग मिरर वेव से, अगर टेक्नोलॉजी फेल होता है तो बैकअप ह्यूमन ब्रेन हमेशा रहता है, और कंप्यूटर रोबोट कभी नहीं करते, हम करते हैं और कंप्यूटर गाइडेड करते हैं, लोगों को हम लोग बताते हैं खाते हैं। और आज की डेट में बहुत स्मूथ हो गया है, हमें अनुप पेशेंट्स को, हम लोग पेशेंट की जस्ट थोड़ी देर पहले हैं ऑपरेटिंग रूम में एलेक्सा म्यूजिक गाना सुनाते हैं, देम कंफर्टेबल, इनफैक्ट कई पेशेंट साथ में गाते भी हैं ऑपरेशन के टाइम में, कई पेशेंट में देखते भी हैं, देयर ऑल हैप्पी, तकलीफ है उनको इंजेक्शन दी जाती है, परंतु 4 से 6 घंटे होते हैं, तो वी हैव टू काउंसिल द पेशेंट, पेशेंट्स के साथ अगर आप ठीक से बात करेंगे, काउंसिल करेंगे, दिखाएंगे, वीडियोज दिखाएंगे, विजुअल इंपैक्ट डालेंगे, दैट इज ऑलवेज गुड, एंड आई ऑलवेज मेक द पेशेंट बेटर। जैसे लास्ट संडे हमें ओपन साइड बुलाया, बिठाया एक दूसरे से, ट्रेन का सफर होता है, दोस्ती होता है, मिली और जीवन भर की नॉर्मल जो ऑपरेशन करते हैं प्लेसमेंट का और मेको के जरिए जो ऑपरेट करते हैं, इन दोनों में सबसे बड़ा फर्क क्या है, क्या सभी को बदलाव रहा है, टाइमिंग्स के कुछ डिफरेंस? यस, पांच मिनट बॉडी इंपैक्ट, यस पांच मिनट फर्क पड़ा है। सबसे पहले जो मैं खास तौर पर बताना चाहूंगा, कम दर्द होना, क्योंकि मेको सर्जरी से इंसिजन कम लगता है, यानी चीरा कम लगता है, तो चीरा कम लगेगा, हम लोग 99.9% प्रिसाइज रहते हैं, क्योंकि रोबोट सर्जरी 0.05 mm के हैप्टिक गाइडेंस पे चलता है, 0.05 mm के प्रिसीजन तक वो काम करता है, तो परफेक्ट होता है, और काफ़ी जिग सर्जरी होता है, तो वी आर फास्ट। हम लोग पहले तौर एक घुटना बदलते हैं, 45-50 मिनट्स में एक घुटना से बदलते हैं, तो चीरा होने के वजह कम होना, दर्द कम होने की वजह से जल्दी चलते हैं, तो मनवाई हुआ है, और अतिरिक्त शुल्क भी नहीं लेते हैं, एम्बुलेंस पेशेंट्स घर जाने हो जाते हैं, तो डिफरेंस है, ब्लड लॉस भी कम होता है, तो फर्क पड़ा है, और पूरा दुनिया रोबोट की ओर, 2000 सेंटर्स, इंग्लैंड इज एक्सपेंडिंग, जापान, कोरिया, यस, सो वी हैव टू प्रोसीड रोबोटिक सर्जरीज, मेरा मानना है। बॉडी इंपैक्ट भी आपने बताया कि कम लॉस ऑफ ब्लड है, तो इससे ज्यादा बेहतर और क्या हो सकता है किसी सर्जरी में, खून आपका कम बन, डॉक्टर आप टाइम का बताया, बॉडी इंपैक्ट का बताया, कितना फर्क होता है, इसके अलावा क्या आगे को फ्यूचर में इंपैक्ट हो सकते हैं, इसके अगर हम नॉर्मल प्लेसमेंट कराते हैं या फिर रोबो के प्लेसमेंट कराते हैं, लाइफ टाइम का जो मिल जाता है इस जरिए? यस, आप सोचिएगा कि हम लोग का जो जॉइंट रिप्लेसमेंट प्रोसीजर होता है वो पेशेंट के ऊपर स्थिर रहता है, अगर आप सर्जरी स्पेसाइज करते हैं तो लॉन्जिटिविटी बढ़ती है, घुटना का लाइफ 20 से 22 साल बढ़ाया जाता है, तो अगर प्लेसमेंट से करेंगे, सटीकता करेंगे, तो लाइफ 25 से 30 होगा, इन द सेम वे हिप रिप्लेसमेंट पे 35 होता है, सब परफेक्ट होता है, तो लाइफ लॉन्जिटिविटी ऑफ इम्प्लांट इज एक्चुअली मोर इन कंटेम्प्ट स्टडीज जो अभी आया है पिछले 15 साल। सर और कुछ बताइए अपने इंस्टीट्यूट के बारे में, आप इंस्टीट्यूट के बारे में लोग जानना चाहेंगे, जब बात डॉक्टर राकेश की हो रही है तो अनूप इंस्टीट्यूट के बारे में भी कुछ। अनूप इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्थोपेडिक एंड रिहैबिलिटेशन, मेरे फादर बन सिंह जो कि विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और पद्मश्री से भी सम्मानित हैं, उन्होंने 44 साल पहले इस एक कमरे से 44 में आज अनूप इंस्टीट्यूट 140 सिंगल स्पेशलिटी ऑर्थोपेडिक्स का सुपर यूनिट है, जहाँ पर DNB यानी पोस्ट ग्रेजुएट ऑर्थोपेडिक्स के लोग भी आते हैं, हैदराबाद, चेन्नई, सब जगह लोग आते हैं, और फेलो यहाँ पढ़ने के लिए भी ये सब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से और एग्जाम की तरफ से लोग आते हैं, फेलोशिप्स के लिए आते हैं, हर छुट्टे, जब मैं एडिनबरा में था 2011 में तो एक्सचेंज एडिनबरा से लोग जाते थे, तो उसी ये जब मैं था, अभी भी हम लोग एक मास्टर्स कोर्स करते हैं जिसमें देश विदेश अमेरिका सिंगापुर से सिखाने के लिए एक स्पेशल कोर्स होता है जो 2 दिन का होता है, वो आयोजन करते हैं, तो अनूप इज अ 140-bedded NABH नेशनल बोर्ड ऑफ हेल्थ एक्रेडिटेड सिंगल सुपर स्पेशलिटी, जहाँ पर अपार्ट जॉइंट पेशेंट, बोन कैंसर, स्पाइन, आर्थोस्पाइनल दूरबीन के सर्स होते हैं, एंड हाईली स्पेशलाइज सेंटर फॉर इंडिया का बड़ा बेस्ट है, यानी कि अगर कोई सीखना चाहता है, प्रैक्टिस करना चाहता है, तो सभी वेलकम है अनूप सिटी, यस मैम, फेलोशिप्स आर मोस्ट वेलकम, डिक्टेशन इज बेटर देन क्योर, तो कुछ ऐसा आप बता चाहेंगे हमारे श्रोताओं के लिए कि कैसे बचा जाता है घुटनों के जोड़ों के दर्द? बहुत अच्छा सवाल पूछा, मेरा एज ए डॉक्टर भी मंसर रहता है पेशेंट्स को अपने ना लाए तो हमारी जीत है, सबसे पहले स्वस्थ रहिए, फिट रहेगा तो हमेशा हिट रहेगा, दूसरा नियमित रूप से व्यायाम, अवॉइडिंग जंक फूड, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट जो कि फ्री है, धूप का सेवन करना, ये तीन करेंगे तो शायद बोन स्ट्रांग रहेगा, बोन स्ट्रांग रहेगा तो जोर स्ट्रांग रहेगा, अगर जोर स्ट्रांग रहेगा तो रहेगा, आप हमारी मुलाकात नहीं होगी। सर जो देना चाहेंगे दर्शकों के, बच्चे भी हैं इसमें, बुजुर्ग भी हैं, और महिलाओं को कहा जाता है बहुत जल्दी घुटने में दर्द की, घर का कामकाज देना है वो पीछे पूरा दिन महिलाओं का रहता है, ऐसे आप एक आखिरी मैसेज व्यूअर्स के लिए? देखिए ऑस्टियोपोरोसिस एक बीमारी है जो लैक मिल्क मिल्क एनिमल प्रोडक्ट्स के कारण है और पेरीमेनोपॉज 40-45 पेरीमेनोपॉज वुमेन के लिए कॉमन है, ये ध्यान रखना है कि हमें दूध, दही और धूप का सेवन करें और हेल्दी लाइफ, और लास्टली मैं बोलना चाहूँगा, योगा हो चाहे फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज हो, तो कुछ तो करना है पर फिट रहना है, एंड गुड गुड सनलाइट एक्सपोजर विद लॉट ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। So we'll keep you away from us. I must say, Dr. Ashish, you are doing a wonderful job, and best wishes from the side of you. Thank you.